तो देखो फ्रेंड्स, हमने जहाँ पे ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इस रोड से ही हमने फिनिश किया था और हमने आपको नहीं बताया था अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखो माय डियर, अब हम लोंगे वाले से जा रहे हैं टनौत माता मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे। चलो फिर आगे मिलते हैं। मीशु देखो कितना रेट भाई, देखो रियल दस किलोमीटर टेन आउट कैसे आएगा ना, तो दिखा देना सर ना। तो देखो फ्रेंड्स, ये फौजियों का ट्रक जा रहा है राइट, और आप देखिए यहाँ पे लोग सेल्फी भी लेने लगते हैं क्योंकि व्यू बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देखिए कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं और रोड देखिए अल्टीमेट है। तो बस हम थोड़ी देर में टनौत माता मंदिर पहुँचने वाले हैं, तो आगे का व्यू आपको दिखाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हम टनौत माता मंदिर पहुँच गए हैं, ये आप फ्रेंड देख सकते हैं, और हमने एंट्री ले ली है अंदर। और तो देखो ये नज़ारा है मंदिर के अंदर का जो आप देख सकते हैं। ये कुछ फ़ोटो वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, जिस तरह से वो दिखाते हैं आर्मी के बारे में, किस तरह का कल्चर होता है आर्मी में। और देखिए आप कितना क्लीन है ये अंदर। और कोरोना के टाइम में देखो उन्होंने सर्कल भी बना रखे हैं जब ज़्यादा कोरोना का टाइम होगा अभी, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर फ्रैंकली घूम सकते हैं। और मॉरिस देखो, मॉरिस की मम्मी दोनों वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो अब हम आपको अंदर दर्शन कराएंगे टनौत माता मंदिर का, और उनके बारे में थोड़ा आपको हिस्ट्री बताएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये अंदर का नज़ारा जो आप देख सकते हैं, और उससे पहले हम आपको दर्शन कराते हैं जय बजरंग बली राइट। तो आप बजरंग बली के दर्शन कर लेंगे राइट। और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखिए अंदर ज़्यादा कोई क्राउड नहीं है, और मास्क भी एक अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं राइट, क्योंकि ज़्यादा क्राउड नहीं है तो मास्क भी यूज़ कर रहे हैं, बट हमने भी कर रखा है मास्क यूज़। तो देखो माय डियर, जो टनौत माता मंदिर है वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं। और जब 1971 का जो वॉर हुआ था, युद्ध 1971 का, तो इस मंदिर की बहुत अच्छी भूमिका रही है। वो भूमिका ये रही है जो मैं आपको बताऊँगा। तो देखो ये बाबा रामदेव के और हमारे डिफेंस मिनिस्टर वगैरह के फ़ोटो लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चुन्नी वगैरह लोग बांध के मन्नत पूरी कर सकते हैं। और तो देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट बिल्कुल पास में पहुँचा दूँ। देखो ये हमारे फौजी मैन है जो यहाँ पे, क्योंकि ये जो मंदिर आता है वो आर्मी के ट्रस्ट में आता है, और इस मंदिर की देखभाल आर्मी करती है। इसलिए आर्मी करती है क्योंकि आपने देखा होगा कि इस मंदिर में जब युद्ध हुआ था तो कई सारे बॉम्ब पाकिस्तान ने गिराए थे, जो मैं आपको बॉम्ब दिखाता हूँ। ये देखो बॉम्ब है जो पाकिस्तान ने इस मंदिर पर फेंके थे, बट इस मंदिर में ये बॉम्ब गिरे बट फटे नहीं। तो इस मंदिर की ये शक्ति है कि ये बॉम्ब बिल्कुल वैसे ही वैसे रहे, इसलिए इस मंदिर पर ज़्यादा ट्रस्ट है। और ये भोलेनाथ जी की इसमें शिवलिंग है जो आप दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर बहुत अच्छी भूमिका निभाता है क्योंकि जब 1971 में युद्ध हुआ था तो इस मंदिर को कहा जाता है कि इतने बम गिरे बट ये मंदिर से टस से मस नहीं हुआ, और एक बार नहीं ऐसा दो बार हुआ है। तो वी आर द इंडियन एंड वी आल्सो ट्रस्ट ऑन दैट टेम्पल, तो हमें भी ट्रस्ट करना चाहिए और हम ट्रस्ट करते हैं राइट। चलो आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ टनौत माता मंदिर की जो स्टेच्यू है, आप क्लोज दर्शन कर सकते हैं। तो एक बार बोल दीजिए जय टनौत माता की जय। तो देखो मैं आपको ये बिल्कुल क्लोज दर्शन करा रहा हूँ, और आप दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर दर्शन कर रहे हैं। तो चलो आगे कुछ और देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने दर्शन कर लिए हैं माता रानी के, और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मंदिर खाली ही था, मतलब लोग थे पर इतना भीड़ नहीं थी, आराम से बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अब बज रहे हैं शाम के 5:30, और हम अब निकल गए हैं यहाँ से अपने होटल के लिए। अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। शायद मेरे ख्याल से 3 घंटे तो लग ही जाएंगे ना जी, 3 तो लगेंगे, 2 घंटे फिर भी देखते हैं। अब दो तुम तो बोलते ही हो,
तुम तो बोलते ही हो, हंस के दिखाने की जरूरत नहीं। तिलक कितना बड़ा लगा दिया है। अच्छा तो लग रहा है। हाँ सही लग रहा है। और ये देखो डॉगी चल रहे हैं। और ये देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ आपको, सूर्य देवता जो अब अपने घर जाने के लिए तैयार है, जो ढलने के लिए। आप देख सकते हो कितने प्यारे और कितने रेड और येलो। मैं जूम करके दिखा दूँ आपको। वाह। और ये थोड़ा गाड़ी करके फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश पूरी है। ये देखो वाओ, देखा कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब चल रहे हैं। रोड तो आपको बता ही चुकी हूँ कई बार, मस्त और मस्त और मस्त। और मीशु लेट गया है यहाँ पे। देखो सामने का रोड देखो, व्यू सुना देखा, जिग जैग दिखा रहे। बोलो मैं लेट आऊँ, क्या कर रहे हो मीशु? दिखाओ। ओहो ये वाली लाइट मीशु कर रहा है ये। ओ वाओ, तो फिर चलते हैं अब होटल। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गाड़ी को रोक लिया गया है क्योंकि यहाँ पे चेकिंग होती है। तो मुझे भी अपना वहाँ पे ये जो पहली वाली गाड़ी खड़ी हुई है उनके वन पर्सन वहाँ पे अपना आईडी वगैरह चेक कराने गया है, तो मुझे भी चेक कराने जाना होगा। तो यू कैन सी आई एम स्टैंडिंग देयर, मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और आधार कार्ड मुझे दिखाना होगा और ये बताना होगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से फिर हमारा रामगढ़ चालू होता है और रामगढ़ के बाद आएगा जैसलमेर। तो जैसे आपको हमारी मैम ने बताया होगा कि हम होटल की तरफ जा रहे हैं, हमारा होटल है जैसलमेर में। ये देखो अब हम रामगढ़ वाले जंगल में चल रहे हैं, रामगढ़ वाले रास्ते पे रोड पे। तो यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई दुकान ना कुछ, ना पेट्रोल पंप वगैरह। आप जब भी इस रास्ते पे आए हमेशा एक तो पेट्रोल आप टंकी मतलब आपकी टंकी फुल होनी चाहिए मेरे ख्याल से, और आपके पास पानी ये सब कुछ होना चाहिए। देखना ये रोड चालू हो रहा है, रोड ब्लैक वाला ब्राउन से ब्लैक हो गया रोड, और वाइट पट्टी दिख गई चमकती हुई थोड़ा सा। पर रोड तो मस्त है, अरे वाह क्या रोड है ना। यस yes. रामगढ़ बस आने ही वाला है, हम आपको दिखाएंगे रामगढ़। बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ देर में, थोड़ी देर में। कैसा मोड है ना ये, तो ऐसे से क्या हो गया चेक। भाई कसम से आना चेकिंग हो रही है या चेकिंग आगे नहीं हो रही, रोके हैं कुछ टूरिस्ट वगैरह। आराम से देख लो क्या है टूरिस्ट वाले हैं, गाड़ी 200 रुपए फैस हो रहा है। देखो ना कैसे खतरनाक मोड आते हैं, ये रामगढ़ की ये रामगढ़ के मोड रामगढ़ के मोड पेट में ना गुलगुली से हो जाती है जब एकदम ऐसे नीचे से चला था। देखो गाय ना यहाँ पे, बस गायों का लगता है थोड़ा सा। और हम एक हॉरिबल है एक ड्राउनी रोड पे चल रहे हैं और गाय। और ये देखो मीशु ने यहाँ पर इस एरिया में शीशा इतना गंदा कर दिया है ना, बहुत ही ज्यादा। और देखो अब जंगल चल रहा है, पूरा जंगल के बीच हम पूरा जंगल में चल रहे हैं यार, पूरा जंगल में चल रहे हैं ना। ये देखो कैसे निकाली जाना, मस्त पूरा जंगल है रात का समय, खतरनाक वाला वरी करता था ना। हाँ। बोलती 100% मिश्रु नीचे गिर जाता है। हाँ मिश्रु गिरता और मैं मुझे लग रहा है ऐसा जंगल है पेड़ों वाला साइड। हाँ।
हाँ ये सारा ना जंग वैसा है, जंगल मतलब ना पेड़ों वाला सारा। रामगढ़ 4 किलोमीटर रह गए, रामगढ़ 4 किलोमीटर रह गए। मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ रामगढ़ का जंगल, यार कैसे पूरा इतनी देर बाद आया है ये, कोई रिजॉर्ट वगैरह ही लगता है। हाँ इतनी देर बाद, और यहाँ से रामगढ़ बचा है अभी 1 किलोमीटर बचा है। सो आ गई है ये रामगढ़ की सिटी, सिटी आ गई है रामगढ़ की, देख लो आप। पर हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम सीधे ही जाएंगे। सोना सही कह रहे थे, रात हो जाएगी, सर्दियों में रात जल्दी हो जाती है। हाँ मैं इसलिए रात के वजह से क्यों होगी रात के लिए, क्योंकि यहाँ ना लाइट नहीं है रोड पे ना, इसके वजह से ना, ब्रेकर है बस इसके वजह से मैं बोलती हूँ। सो फ्रेंड हम पहुँच गए हैं अपने होटल्स, अभी रात बज गए हैं 8। सो पहले हम जाते हैं अंदर। सो फ्रेंड्स मैंने अभी दिखाया था, हमने आ गए थे अंदर और मैंने फटेक से एक सावर ले लिया जल्दी से क्यूकली वाला, क्योंकि रेत वेत पूरा मुंह पे वो हो गया था ना, इसलिए फटाफट। अब मैं आपको रूम टूर करा देती हूँ क्योंकि अभी ठीक है, मीशो का कोई भरोसा नहीं है। सो देख सकते हैं ये एंट्रेंस है और हम चलते हैं अंदर। सो वो सबसे पहले आएगा ये सोफ़ा आपको रिलैक्स करने के लिए, और यहाँ पे मैंने रख दिया अपना बैग, और ये की, ये स्टूल, और ये है आप जानते ही हो, और ये है बेड, और ये आपका सामान रखने के लिए, और यहाँ पे ये रखा है चाय कॉफ़ी, और ये है यहाँ पे आपका शूज वूज या लगेज वगैरह कुछ भी रख सकते हो आप इस अलमारी में, और ये है अलमारी। सो है ये अलमारी, और जिसमें मैं अलमीरा जिसमें मैं दिख रही हूँ, और ये कुछ इस तरीके से जहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल यहाँ पे ये रखा हुआ है। ओके आराम से, हाँ मैं दिखा देती हूँ आपको बाथरूम, वॉशरूम इसको बोलते हैं, ये देख सकते हो आप, ये मैंने इनके रख दी यहाँ पे, ये देखो, और ये है कुछ इस तरीके से, और ये है मेरा फेवरेट टब, बाथ टब, और यहाँ पे टॉवल हैंग किए हुए जो मैंने, ये अभी शावर लिया था तो ये मैंने यूज़ कर लिया वो जीत के लिए। सो ये तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, और यहाँ पे हमारा कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, और ये चल रहा है मीशो का, मीशो क्या चल रहा है, कार्टून, और अभी आ गया है खाना। सो साथ के साथ मैं दिखा देती हूँ आपको खाना, इसके अलग है हाँ। आ गया है खाना, और यहाँ पे है रोटी, अब खा लेते हैं जल्दी से खाना। मैं पहले मिसो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, बोलो चल गया टीवी, चल गया टीवी, थैंक यू बोल दो, थैंक यू टीवी, थैंक यू।